सैमसंग गैलेक्सी M21 में 3.0 का अपडेट कब आएगा? तो अगला सवाल है जीशान का, ये बोल रहे हैं कि आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, कांट फाइंड दिस न्यू अपडेट बट व्हाई। अगला सवाल है ऑनियंस पत्र का, ये पूछ रहे हैं कि लैग प्रॉब्लम क्या सॉल्व हुआ है इस अपडेट के बाद। तो आज है संडे की उन्हें पार्ट टू, और आज इस वीडियो में मैं सैमसंग गैलेक्सी M21 से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ। और सबसे पहले बात कर लेते हैं पोल की। मैंने एक पोल रखा था जहाँ पर मैंने पूछा था कि माइक्रोमैक्स का नया फ़ोन आप लोगों को कैसा लगा, और वहाँ पर 61% लोगों ने कहा कि बहुत बढ़िया, और 15% लोगों ने कहा कि ठीक ठाक है, और बाकी लोगों ने कहा कि नॉट इंटरेस्टेड इन माइक्रोमैक्स। सो मैं अगला पोल रख रहा हूँ जहाँ पर आप ही मुझे बताओ कि माइक्रोमैक्स का यह नया फ़ोन माइक्रोमैक्स इन नोट 1 मुझे खरीदना चाहिए या नहीं, और इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए या नहीं। और इस पोल का रिजल्ट मैं अगले संडे Q&A में बताऊंगा। और सैमसंग गैलेक्सी M21 से रिलेटेड और भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर M21 के अलावा कोई टेक्निकल या फिर पर्सनल क्वेश्चन भी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं अगले संडे Q&A में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन से ही क्वेश्चन पिक करूंगा और आंसर दूंगा। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सवाल है नाइट का, ये पूछ रहे हैं कि डज अपडेट कंज्यूम पार्ट ऑफ द सिस्टम्स इंटरनल स्टोरेज। तो हाँ, अपडेट सिस्टम के इंटरनल स्टोरेज कंज्यूम करता है, क्योंकि न्यू अपडेट के साथ कुछ न्यू फीचर्स भी आता है, जैसे कि आपके कैमरे में कभी कभी न्यू फीचर्स आ जाता है, या फिर अपडेट के साथ साथ कोई न्यू एप्लीकेशन भी ऐड हो जाता है जिसके लिए थोड़ा बहुत जगह चाहिए होता है, जिसके वजह से ही इंटरनल स्टोरेज कंज्यूम होता है। तो अगला सवाल है चीकी चरिया का, अगर मैंने आपका नाम गलत प्रोनाउंस किया हो तो सॉरी फॉर दैट। ये पूछ रहे हैं कि OTG सपोर्ट का फीचर आएगा क्या। सो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी M21 में OTG का सपोर्ट पहले से ही था, हो सकता है आपको पता नहीं होगा। सो इसके लिए आपको सिर्फ एक टाइप सी OTG परचेस करना होगा, उसके बाद ही आप पेन ड्राइव को अपने मोबाइल में कनेक्ट कर सकते हो। तो अगला सवाल है शिव कुमार का, पूछ रहे हैं कि सैमसंग गैलेक्सी M21 में 3.0 का अपडेट कब आएगा। सो इसका दो प्रोबेबिलिटी है। पहला प्रोबेबिलिटी यह है कि सैमसंग M21 में OneUI 3.0 के साथ Android 11 का अपडेट आ जाए, और अगर ऐसा होगा तो सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स में यह अपडेट पहले देखने को मिलेगा, और उसके बाद ही सैमसंग के मिड रेंज फोन्स में यह अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट होगा। और M21 एक मिड रेंज फोन है, इसलिए हो सकता है ये अपडेट अगले साल फरवरी या फिर मार्च में देखने को मिले। और दूसरा प्रायोरिटी ये भी है कि OneUI 3.0 के साथ Android 11 ना आए, और अगर ऐसा होगा तो हो सकता है M21 में OneUI 3.0 का अपडेट इसी साल दिसंबर के लास्ट में देखने को मिले। और मेरे हिसाब से सेकंड वाला हो सकता है, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी M21 में OneUI 2.5 बहुत ही जल्दी आ गया, इसीलिए हो सकता है OneUI 3.0 इसी साल दिसंबर के आखिर में देखने को मिले। सो अगला सवाल है प्रहलाद का, ये पूछ रहे हैं कि मैं अपने सैमसंग M21 में कौन सा थीम को यूज़ करता हूँ। जो डिफ़ॉल्ट थीम है मैं उसी को यूज़ करता हूँ, और मुझे लगता है डिफ़ॉल्ट थीम ही बढ़िया होता है। तो अगला क्वेश्चन है रेखा सेन का, ये पूछ रहे हैं कि इस अपडेट के बाद हैप्टिक फीडबैक ऐड हुआ क्या। सो इस अपडेट के बाद कोई हैप्टिक फीडबैक फीचर ऐड नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगले अपडेट के साथ ये फीचर ऐड हो जाए। सो अगले अपडेट का वेट कीजिए, हो सकता है अगले अपडेट में ये फीचर मिल जाए। सो अगला सवाल है विशिष्ट का, ये पूछ रहे हैं कि सैमसंग M21 में अगले अपडेट के साथ इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर आएगा क्या। सो जो पिछला वाला अपडेट आया था सैमसंग M21 में OneUI 2.5 का, उसके साथ तो कोई इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं आया है, लेकिन OneUI 2.5 बेस्ड ज़्यादातर सैमसंग के फोन्स में इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर देखने को मिलता ही है, लेकिन इन लोगों ने इस बार अपडेट के बाद नहीं दिया। सो हो सकता है अगले अपडेट के साथ ये फीचर आ जाए, और अगर आएगा तो मैं इसके ऊपर डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा। तो अगला सवाल है चीन में का, ये पूछ रहे हैं कि सैमसंग गैलेक्सी M21 में OneUI 2.5 अपडेट के साथ क्या स्लाइड बार का फीचर आने वाला है। सो कुछ दिन पहले ही सैमसंग गैलेक्सी M21 में OneUI 2.5 का अपडेट आ चुका है, और उस अपडेट के साथ कोई भी स्लाइड बार का फीचर नहीं आया है। सो अगला सवाल है जीशान का, ये बोल रहे हैं कि आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, कांट फाइंड दिस न्यू अपडेट बट व्हाई। सो ऐसा हो सकता है कि ये अपडेट सबसे पहले इंडिया में ही रोल आउट होना स्टार्ट हुआ है, उसके बाद ही नेपाल या फिर बांग्लादेश में ये रोल आउट होना स्टार्ट होगा। सो आप लोग कुछ दिन वेट कीजिए, आप लोगों के मोबाइल में भी ये अपडेट जल्दी देखने को मिले। तो अगला सवाल है अक्ष का, ये पूछ रहे हैं कि विल इट सपोर्ट गुड लॉक इन OneUI 3। सो गुड लॉक एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल बेस्ड फीचर है, और ये OneUI 2 में देखने को मिलता है, लेकिन सैमसंग गैलेक्सी M21 के OneUI 2 में नहीं था, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी M21 के अंदर ये सॉफ्टवेयर मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है। सो हो सकता है अगले अपडेट में ये सॉफ्टवेयर मॉड्यूल आ जाए और गुड लॉक फीचर सपोर्ट करने लगे। सो अगला सवाल है अजय सिंह का, ये पूछ रहे हैं कि भाई इसमें PDF फाइल ओपन नहीं होती, क्या इसमें कोई PDF रीडर है। तो मुझे नहीं पता आपका PDF फाइल क्यों नहीं ओपन हो रहा है, लेकिन सैमसंग M21 में पहले से एक PDF रीडर है, और अगर आपका PDF फाइल ओपन नहीं हो रहा है तो आप प्ले स्टोर से
कोई भी एक पीडीएफ रीडर को डाउनलोड कर सकते हो और यूज कर सकते हो। तो अगला सवाल है स्वप्निल का, ये पूछ रहे हैं कि बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या इस अपडेट के बाद। तो सैमसंग के बहुत सारे फोन्स में बैटरी ड्रेन या फिर कैमरा में प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक मेरे फोन में कोई बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम नहीं आया है। अपडेट से पहले जैसा बैटरी था वैसा ही है, लेकिन अगर आप में से किसी के फोन में बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम आ रहा हो तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। इससे आपका बैटरी पूरी तरीके से ठीक तो नहीं हो जाएगा, लेकिन आपका बैटरी लाइफ थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाएगा। सो अगर आप देखना चाहते हो तो आई बटन में जाकर देख सकते हो। तो अगला सवाल है भासु चौहान का, ये पूछ रहे हैं कि भाई M21 में PUBG 60fps में कैसे चलेगा। तो सबसे पहले बता दूं कि सैमसंग गैलेक्सी M21 में PUBG 60fps में पहले से ही चलता है। अगर आप PUBG के ग्राफिक सेटिंग्स में जाओगे तो आप देख पाओगे कि वहाँ पर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का ऑप्शन है, और एक्सट्रीम वाला ऑप्शन ही 60fps का ऑप्शन है। सो आप बिना कोई GFX टूल का यूज किए अपने M21 में 60fps पे PUBG खेल सकते हो। हालांकि PUBG अभी बैन हो चुका है, लेकिन ऐसा सुनाई दे रहा है कि अगले दिवाली में ये फिर से लॉन्च होने वाला है। तो अगला सवाल है ऑनियंस पात्र का, ये पूछ रहे हैं कि लैग प्रॉब्लम क्या सॉल्व हुआ है इस अपडेट के बाद। तो हर एक अपडेट के बाद मोबाइल कुछ दिन तक लैगी और चॉपी हो जाता है, और कुछ दिनों बाद खुद ब खुद ये ठीक भी हो जाता है। मैंने पर्सनली ये एक्सपीरियंस किया है। सो अगर आपका फोन अपडेट के बाद थोड़ा सा लैगी लग रहा हो तो कुछ दिन वेट कीजिए, ये ठीक हो जाएगा। सो यही था आप लोगों का कुछ क्वेश्चन जिसका मैंने आंसर दिया। और कुछ दिन पहले सैमसंग गैलेक्सी M21 में One UI 2.5 का जो अपडेट आया था, उस अपडेट के बाद One UI 2.5 के अंदर जितने भी नए फीचर्स है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आप चाहो तो आई बटन में जाकर देख सकते हो। और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो।